आप लोग का स्वागत है जीके जीएस क्यूज में। फ्रेंड्स, इस क्यूज में आज हम 10 महत्वपूर्ण सवाल को शामिल किए हैं। सभी सवाल है जो इम्पोर्टेंट, इसलिए पूरा क्यूज अवश्य खेलें। आंसर सोचने के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाता है। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल का सवाल का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि व्हेल मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात कितने चैम्बर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के हृदय में भी कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं, उसी तरह से व्हेल मछली के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें आप कॉमेंट करके बताइएगा कि मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। इसका जवाब हमें कल कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्यूज शुरू करते हैं। इस क्यूज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने है। समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक ने। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर गेस कीजिए क्या होगा। समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के चमोली से शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है। इसका राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 4 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है फ्रेंड्स, कि चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून क्षेत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि रबर मुख्य रूप से किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है। देखिए, ये सब सवाल है जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लोग के सामने रहा, कि माध्यमिक दर्शन का प्रणेता कौन थे। माध्यमिक दर्शन का प्रणेता कौन थे, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागा अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, कि बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 अब आप लोग के सामने ये रहा, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब को। ठीक है फ्रेंड्स, सतारा, झांसी और नागपुर को राज्य अपहरण नीति के तहत मिलाया गया था, जबकि पंजाब को नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 अब आप लोग के सामने ये रहा, कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, गेस कीजिए राइट आंसर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये रहा, आल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? आल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, वलित अर्थात मोड़दार पर्वत है आल्पस एवं हिमालय। तो चलिए इस क्विज का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें बताना है। तो आज का सवाल रहा फ्रेंड्स कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इसका जवाब आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को पर्याप्त समय भी मिलता है घर पे, तो मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहें। ठीक है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहे, इससे क्या है आपका जीके जीएस और का लेवल बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ फिर भी बहुत कम लोग देखते हैं आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए धन्यवाद।